आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कोरोना वायरस कैसे हमारी बॉडी पर अटैक करता है। इस वीडियो में इस तरह सब कुछ बताने वाला हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। जितने भी मेरे भाई हैं जिनको साइंस की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, वो भी इस वीडियो को देख के कैसे कोरोना अटैक करता हमारी बॉडी पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर यानी ढांचे को समझते हैं। आपने कोरोना वायरस की पिक्चर तो देखी ही होगी, जिसके ऊपर कांटे टाइप कुछ बने होते हैं और इन्हीं कांटों को स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। सारा खेल इन्हीं स्पाइक प्रोटीन्स का है। और अब मैं बताता हूँ कि इंसान के जो फेफड़े होते हैं वो कैसे काम करते हैं। अगर हम मुंह से होके फेफड़ों में जाएं तो गले की नली दो नलियों में डिवाइड हो जाती है। जो हमारे गले की नली होती है ये हमारी दो नलियों में डिवाइड हो जाती है, और ये दो नली और ज़्यादा नलियों में डिवाइड हो जाती हैं। तो जहाँ ये नलियाँ ख़त्म हो जाती हैं उस भाग को बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, जो जहाँ पे ये नलियाँ हमारी जाके ख़त्म हो जाएंगी तो उस भाग को बोलेंगे एल्वियोलाई। ठीक है, और अब ये एल्वियोलाई क्या है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये एल्वियोलाई जो होती है ना, ये ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करती है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो यही से ऑक्सीजन हमारी एंटर होती है और जो CO2 है वो बाहर निकल जाती है। ये जो एल्वियोलाई होती है ये एक बैलून की तरह होती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ये फूल जाती है, और जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाती है। इस एल्वियोलाई की बाहरी परत इतनी पतली होती है कि सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 ही इस एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, परत होती है, वहां से पास हो सकती है। अब बात करते हैं कि वायरस कैसे मारता है इंसान को, कैसे हमारे जो लोग हैं वे कैसे क्यों मर रहे हैं। तो इसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार हमारे फेफड़े भी इन्हीं सेल से मिलके बने होते हैं। जैसे हमारा पूरा सिस्टम सेल से मिलके बना होता है तो हमारे फेफड़ों के अंदर भी सेल ही होंगे। और हमारी फेफड़ों की सेल्स पे ACE2 नाम का रिसेप्टर पाया जाता है। ACE2 नाम का एक रिसेप्टर पाया जाता है। मैं आपको बताया था कि कोरोना वायरस के ऊपर कांटे लगे होते हैं जिनको स्पाइक प्रोटीन भी बोलते हैं। तो ये स्पाइक प्रोटीन एक की यानी चाबी की तरह काम करते हैं, और हमारे फेफड़ों की सेल में मौजूद ACE2 रिसेप्टर मतलब लॉक, ठीक है, ताले की तरह काम करते हैं। और ये प्रोटीन स्पाइक हमारे फेफड़ों की सेल पे जाके चिपक जाते हैं और लॉक हो जाते हैं ACE2 रिसेप्टर के साथ। और हमें ये तो पता ही है कि एक ताले को एक चाबी ही खोल सकती है, तो ये कोरोना स्पाइक मतलब चाबी हमारे फेफड़ों के ताले मीन्स ACE2 रिसेप्टर के साथ जुड़ जाती है। और हमारे फेफड़ों की सेल सोचती है कि ये तो भाई अपना ही बंदा है, इसके पास तो चाबी भी है मेरे ताले की। तो हमारे फेफड़ों की सेल कोरोना वायरस को खुद के अंदर एंटर होने की परमिशन दे देती है। यहाँ से सारा खेल जो हमारा शुरू हो जाता है, यहाँ से जो तबाही है हमारे फेफड़ों की वो शुरू हो जाती है। जैसे ही कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों की सेल में एंटर करता है, ये वायरस हमारी सेल्स को हाईजैक कर लेता है और बोलता है कि तेरा सारा कंट्रोल जो है मुझे दे दे। और कोरोना वायरस खुद की कोरोना रेप्लिका बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे ही कोरोना वायरस एंटर हो गया हमारे सेल के अंदर तो ये खूब सारी रेप्लिका बना देगा। तो इस तरह फेफड़ों के सेल्स में लाखों कोरोना वायरस जन्म ले लेते हैं। और जिस तरह गुब्बारे में पानी, जैसे ही हम गुब्बारे में पानी डालते हैं तो वो गुब्बारा फूल जाता है और फट भी जाता है गुब्बारा, तो पानी सारा फैल जाता है। और ठीक इसी तरह हमारे फेफड़ों के सेल भी जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और लाखों करोड़ों वायरस उस सेल में से निकल के और स्प्रेड हो जाते हैं। और जो ये लाखों करोड़ों वायरस निकले हैं ये दूसरी सेल पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे मूवीज़ में हीरोइन की जान खतरे में होती है तो हीरो बचाने के लिए आ जाता है, ठीक उसी तरह हमारे फेफड़ों की सेल को बचाने के लिए हमारा जो इम्यूनी सिस्टम है वो आगे आ जाता है। और जो हमारा इम्यूनी सिस्टम होता है ना, बहुत ही मतलब समझदार चीज़ होती है, ये बहुत ही समझदार होता है, बिल्कुल इंटेलिजेंट होता है। पहले क्या करता है, पहले वो कोरोना वायरस को समझता है कि उसके स्ट्रक्चर को समझता है। जो हमारा कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसको पहले समझता है किस तरह का स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस का, और फिर उस स्ट्रक्चर को देख के वो एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है हमारा इम्यूनी सिस्टम। और मज़े की बात तो ये जो एंटीबॉडी होती है ना, ये भी एक लॉक की तरह ही होती है। जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे फेफड़ों के सेल होते हैं उन पे ताला मतलब वो ताले की तरह होते हैं, और जो हमारा स्पाइक प्रोटीन चाबी की तरह होता है, तो ठीक है जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी ने बनाई है ये भी एक ताले की तरह होती है। तो ये क्या करती है, जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन है ना, मतलब वो चाबी, जो चाबी मतलब स्पाइक प्रोटीन, ठीक है, तो उसके साथ ही जुड़ जाती है एंटीबॉडी। तो इन सभी कोरोना वायरस के साथ एंटीबॉडी जुड़ जाती हैं। जितने भी कोरोना वायरस थे हमारे फेफड़ों में, तो सभी के साथ जो एंटीबॉडी हमारे इम्यून सिस्टम ने बनाई है वो उनके साथ जाके अटैच हो जाती है, और ये जो बेचारा कोरोना है वायरस वो लाचार हो जाता है, अपंग हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन की हेल्प से ही वो हमारे सेल के अंदर एंटर हो रहा था, लेकिन उसके स्पाइक प्रोटीन पे ही एंटीबॉडी जाके चिपक गई हैं, तो अब वो कोरोना वायरस कुछ भी नहीं कर सकता। और जैसे ही एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन पे जाके चिपक जाता है, फिर हमारी बॉडी का एडवांस इम्यूनी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है,
और इन सभी कोरोना वायरस को कंज्यूम कर लेता है इन एंटीबॉडीज़ की हेल्प से। तो इसी युद्ध के दौरान हमारे फेफड़ों में एक लिक्विड बनना शुरू हो जाता है, जो भी ये मैंने आपको बताया इन सभी के दौरान एक लिक्विड या पस बनना हमारे फेफड़ों में शुरू हो जाता है, और ये लिक्विड हमारे एल्वोलाई जो मैंने बताया था जहाँ से हम ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वहाँ पर जाके ये जो लिक्विड है ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। कई बार ये लिक्विड इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये ज़्यादा मात्रा में एल्वोलाई जो मैंने आपको बताया था उसमें ये इकट्ठा होना जाता है और आदमी का दम घुटने से मौत हो जाती है। तो इसी कारण हम जो हमारे लोग मर रहे हैं तो इसी कारण से उनकी डेथ हो रही है। और दुख की बात यह है कि जिन सेल पे कोरोना वायरस ने अटैक किया है उनके कारण हमारे फेफड़े परमानेंट डैमेज हो जाते हैं और पूरी लाइफ हमें सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं या फिर सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। बुजुर्ग लोगों पे इसका असर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी नहीं बनती हैं, इस कारण उनकी जो बुज़ुर्ग हैं हमारे उनकी बॉडी पर तो ये जो कोरोना वायरस वो ज़्यादा हावी हो जाता है। और हम आपको बता दूं जो मुझे भी कोरोना वायरस हो चुका है मुझे कोई सिम्टम्स तक नहीं आए, सिर्फ जो स्मेल होती है मैं मतलब मेरी नाक भी बंद नहीं थी, मुझे कोई कफ नहीं था, कोई कोल्ड नहीं हुआ, सिर्फ मेरी जो नाक की जो स्मेल है जो सूंघने की शक्ति है वो चली गई और थोड़े दिन बाद ही मैं ठीक हो गया। और इस वायरस में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मुंह को छूने से पहले हाथ ज़रूर धोएं और बाहर जाते टाइम मास्क ज़रूर पहने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सयोनारा।